चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, वॉट विल बी द चेंज इन वेलोसिटी व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट हाफ ऑफ द रिवोल्यूशन। सबसे पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं हम, छोटा सा सर्किल, एक मिनट रुक जाओ, सर्किल, हाँ ठीक है, सर्किल हम बना लेते हैं यहाँ पर, छोटा सा सर्किल बनाते हैं, ठीक। ये देखो ये सर्किल हमने बना दिया, ठीक है। अब हाफ यानी यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन मानो v इनिशियल ये है, और आधा सर्किल कंप्लीट करने के बाद वेलोसिटी इधर हो गई v फाइनल, ठीक है। तो अगर इसका फॉर्मूला मैं बात करूं तो फॉर्मूला एग्जैक्टली क्या होता है, तो चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2v साइन थीटा बाई 2। लेकिन ये आया कैसे? जैसे एग्जांपल, अगर मान लो ये पॉइंट इनिशियल वेलोसिटी है, ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। तो v फाइनल, हम दो वेक्टर्स को कभी तो सब्ट्रैक्ट तो करते नहीं है, जोड़ते ही हैं, तो v इनिशियल को निगेटिव कर दिया हमने और बीच में प्लस कर दिया। तो हमको क्या करना है, हमको जैसे v इन, इसको थोड़ा सा सीधा कर देते हैं, ये v इनिशियल है और ये v फाइनल है, ये v फाइनल, तो हमको v इनिशियल निगेटिव डायरेक्शन में चाहिए। तो ये डायरेक्शन हमने जोड़ दिया माइनस v इनिशियल, ठीक है। पैरेललोग्राम मेथड से अगर करेंगे तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा है, जैसे यहाँ पर रखा ये एंगल थीटा है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट कहलाएगा चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी। तो अगर फॉर्मूला लगाया जाए आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, आर की जगह क्या है डेल्टा वी, आर की जगह क्या है डेल्टा वी, डेल्टा वी का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, देखो यहाँ बोला ना यूनिफॉर्म स्पीड, तो मैग्नीट्यूड में ये वेलोसिटी सेम है इनिशियल और फाइनल, चाहे यहाँ कहो यहाँ कहो यहाँ कहो कहीं पे भी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हम इसको v कंसिडर कर लेते हैं, v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू v मैग्नीट्यूड फॉर्म में बात करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2 v इंटू cos 180 माइनस थीटा, ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा ना, ये थीटा है तो अभी से बात ये एंगल पूरा, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ देख लो एक बार फिर से, मैं इसको यहाँ मार्क कर दे रहा हूँ, ये एंगल है आपका 180 माइनस थीटा v फाइनल और माइनस v इनिशियल के बीच का एंगल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ फिर से, ये कितना होगा, ये होगा डेल्टा v का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2v स्क्वायर होगा, 2v स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर cos 180 माइनस थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो टी वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा, डेल्टा v का होल स्क्वायर, ये 2v स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 माइनस cos थीटा होगा डेल्टा v, सो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v स्क्वायर, और इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस 2 cos 2 sin थीटा, 2 sin थीटा बाई 2 होल स्क्वायर, ये होगा इसे cos 2 थीटा के तीन फॉर्मूले होते हैं ना, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अगर वही फॉर्मूला cos थीटा 2 थीटा की जगह थीटा कर दिया जाए तो 1 माइनस 2 sin थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये वही चीज़ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, देख लो एक बार चेक कर लो, ठीक है। तो ये 1 और ये माइनस 1 प्लस 1 माइनस कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा v स्क्वायर भूल गए क्या हम, डेल्टा v स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4v स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2, तो डेल्टा v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2v sin थीटा बाई 2 ये होगा, तो ये होगा। अब ये सीधे वैल्यू, अब देखो इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में दोनों के बीच में थीटा की वैल्यू है कितनी, 180 डिग्री है, 180 डिग्री, यहाँ को 180 बाई 2 90 डिग्री हुआ, तो डेल्टा v इज इक्वल टू 2v sin 90, sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 2v के इक्वल हो गया डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी 2v, v की वैल्यू है 5, तो क्या होगा 2 इंटू 5 10 हो जाएगा,
कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।